आज हमारा मेहमान बहुत inspirational है. Sarmad Tariq, at the age of 15, had a devastating accident that broke his neck, and as a result, he is paralyzed, he is quadriplegic. But for most of us, we would find that extremely difficult. Lekin Sarmad didn't stop himself from living a full life. He went back to college, he went and got a job, he married, and he has done many things in his life that none of us have done. He's run two marathons, Lahore and New York, and he's also driven all the way from the Khyber Pass to Karachi. Take a look at this. ये है सरमद. बचपन में ही सरमद का ख्वाब था एक प्रोफेशनल स्विमर बनने का. लेकिन 15 साल की उम्र में एक हादसे की वजह से सरमद के गर्दन से नीचे का तमाम जिस्म मफलूज हो गया. सरमद के कई ऑपरेशंस हुए जिनकी वजह से वो कई दूसरे इन्फेक्शंस का भी शिकार हुए. ऑपरेशंस का सिलसिला 2 साल तक चलता रहा जिसके नतीजे में सरमद के कंधों और हाथों में हरकत होने लगी. सरमद जिंदगी में चैलेंज कबूल करने से कभी नहीं घबराए. उन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ खैबर पास से कराची का 33 घंटों का सफर खुद ड्राइव करके तय किया. इसके अलावा उन्होंने जनवरी 2005 में होने वाले लाहौर मैराथन में भी शिरकत की और इससे एक कदम और आगे बढ़कर उन्होंने न्यूयॉर्क मैराथन में भी शिरकत की और मुकर्रा फासला 7.5 घंटे में तय किया. आज सरमद नेविटिस में एक कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर और रहनुमा है. उनका मिशन है लोगों को अपनी असल सलाहियतों से आगाह करना. सरमद की जाती जिंदगी की कामयाबी का राज उनकी बहुत मोहब्बत करने वाली बीवी जहरा है जो उनका हर तरह से ख्याल रखती है. सरमद एक जिंदा मिसाल है और उनका कहना है कि पैरों से चलने से ज्यादा सर उठाकर चलना जरूरी है. So, assalamu alaikum, Sarmad. Wa alaikum assalam. Welcome to the show. Thank you. So, how do you do it? How do you walk tall? Just walk tall. I just live. I think मैं सिर्फ ज़िंदगी ये कहना कि you know मैं कोई बहुत बड़े मार्के मारता हूँ बहुत बड़ी बात कहना होगा. छोटी उम्र में हादसा हुआ था तो I think जो कुछ भी मैं अचीव कर सका उसमें मेरे बचपन का बहुत हाथ है. मेरे जो बचपन में मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत की और जो पॉजिटिव किस्म के मैसेजेस मेरे साथ आए उनका बहुत हाथ है. और फिर जो सपोर्ट मुझे उनकी तरफ से मिलती रही इमोशनल लेवल के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. और उसके बाद आई थिंक मैं कई लोगों को बताता हूँ कि गोया के मेरे व्हीलचेयर पर बैठने से लगता ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी बहुत महदूद है और बहुत कन्फाइंड है और मैं बहुत से डिसेबल्ड हूँ. बट इसकी वजह से जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहते हुए मैं सोशल यू नो लिमिटेशन से बहुत आज़ाद हो गया था. मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने ये पढ़ना है क्योंकि यू नो वक्त की ये ज़रूरत है. अगर आप CSS नहीं हमारे ज़माने में जिस जनरेशन से मेरा ताल्लुक है तो तब सिविल सर्विसेज या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी का बहुत रिवाज था तो आपने ये करना है तो इस किस्म की कोई मेरे ऊपर वो नहीं कोई था, वो नहीं था प्रेशर नहीं था. वो था कि पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी है. तो उन तमाम वो जो कंधों पे बोझ था उससे मैं आज़ाद हो गया. तो मेरा था कि जो करना है करो. और अगर खैर मैं ये क्रेडिट अपने माँ बाप को ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर खुदा न खासा मेरा ये एक्सीडेंट खुदा ना खासा मेरा ये एक्सीडेंट ना भी होता एनीवे बट अगर मेरा एक्सीडेंट ये ना भी होता तो तब भी मेरे पास ये लग्जरी थी क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी भी मेरे ऊपर कोई चीज इन्फोर्स नहीं की. तो घर का माहौल कुछ ऐसा था उस वजह से यू नो इस एक्सीडेंट की वजह से मेरे ऊपर कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं थी. और यू नो अभी भी जिस तरह आपने बताया कि नेविटस के साथ ये लाल पजामे और बालियां और टैटू पहन के मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में इस हुलिये में फिर के आई कैन वर्क माय वे अराउंड बिकॉज़ आई एम सिटिंग ऑन अ व्हीलचेयर पीपल परसीव के यार खैर है इसको कुछ नहीं कहना है. मगर इससे एक उल्टा इफेक्ट भी तो हो सकता है कि अगर आप को सब कुछ जायज सब माफ है तो एक तो आप बहुत स्पॉइल्ड भी हो सकते हैं
दूसरा ये भी हो सकता है कि अरे कुछ नहीं कर सकता ये वो, और एक गिविंग अप वाला एटीट्यूड भी आ सकता है. तो कभी आपको ऐसा लगा कि डिड यू फील लाइक गिविंग अप, के क्या फ़ायदा है? क्योंकि बहुत लोगों को होता है आपकी सिचुएशन में आते हुए, या अगर उनकी सिचुएशन आपसे करीब तर हो तो. देखिए उसमें तो वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है. हर चीज़ के दो पहलू होते हैं. आप उसको किस तरह, वो जिस तरह ग्लास आधे या ग्लास मतलब आधा भरा हुआ या आधा खाली को देखने वाली बात है. आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखना चाहते हैं. मैंने इसको इस तरह देखा कि यार अगर ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, वाई नॉट मेक द बेस्ट ऑफ इट. मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी के तमाम शौक पूरे करूँ, और मतलब उसके साथ साथ अपनी याशियाँ और अपने जितनी तमाम चीज़ें उन सबको मतलब मुकम्मल भरपूर जिंदगी गुजार सकूं. और ऑब्वियसली उसके दौरान मैंने कुछ अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए थे, जिसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का था एक, मतलब किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना. कुछ मेरे थे कि अपने आप को कोई लेबल नहीं देना कि मैं एक सर्टन क्लास से हूँ, कि जी मैं डिसेबल्ड हूँ तो मैंने डिसेबिलिटी कोटा या डिसेबिलिटी सेगमेंट से बिलोंग करना है, या तो यू नो मैंने उस तरह से किसी चीज़ में अपने आप को क्लासिफाई नहीं किया. तो आई जस्ट रिमेंड अ ह्यूमन, यू नो, लाइक माय टी-शर्ट सेज. द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू इज दिस, कि एक होता ना कि मैं तो बेकार, मैं मुझसे तो होता ही नहीं है, मेरे तो है ना वैसे वैसे हाथ में प्रॉब्लम है, मैं क्या ये कर सकूंगा. ये एक एटीट्यूड हम सब में आता है, किसी ना किसी टाइम पे आता है. How do we get rid of it? देखिए मेरे जब मैं नया नया व्हीलचेयर पे निकलना शुरू हुआ सारा कुछ, तो मैं किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाए या दाढ़ निकलवाए या कुछ हो, तो मैं कहता यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, ये कुछ मसला है मेरे साथ, देखो मैं आई थिंक आई हैव क्रॉस्ड 100 ऑपरेशंस बाय नाउ, तो मैं इतने ऑपरेशंस हुए हैं और मुझे कोई मसला नहीं ये वो सारा कुछ. बट नाउ यू नो एज आई मैच्योर और जो जो दिमाग में अकल आती है, तो आई रियलाइज के मेरा मसला है. शायद मेरे लिए बहुत बड़ा हो, दूसरों के लिए जो दिखने में बहुत बड़ा है, बट हर इंसान का मसला जो है काफ़ी बड़ा होता है. ठीक है, उसकी नोयत डिफरेंट होनी चाहिए, हो सकती है, बट हर इंसान का मसला उसके लिए काफ़ी बड़ा होता है. तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई तुम कंप्लेंट कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि यू नो वी शुड रिस्पेक्ट के मतलब उस बंदे को उतनी इजाज़त होनी चाहिए कि वो कंप्लेंट कर सके. बट हाँ, कंप्लेंट करने के बाद लेट्स मूव ऑन. ये नहीं कि बस उधर ही बैठ जाओ कि अब मैं दाढ़ में दर्द हो रही है तो भाई इसके बाद उसी दाढ़ के लिए सारी जिंदगी रोते रहो. How do you move on? How? What choices do you have? आपके पास इसके मतलब जिस तरह हम पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के बात करते हैं कि हाँ आप पॉजिटिव किस तरह रहते हैं, तो जिस तरह आप नेगेटिव रहते हैं उसी तरह आप पॉजिटिव रहते हैं. इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स सो सिंपल, ब्लैक एंड वाइट. मतलब आप अगर नेगेटिव रहना चाहते हैं तो आप नेगेटिव रहें, आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, क्योंकि बीच में अल्टरनेटिव तो है ही कोई. मतलब आप मुझे कई दफ़ा लोग पूछते हैं कि जी हाउ कैन वी स्टे सो पॉजिटिव. मैं पूछता हूँ कि जी आपके पास अल्टरनेटिव क्या है? आप नेगेटिव रहना चाहते हैं? नहीं जी, तो फिर पॉजिटिव रहें. अब सवाल ये उठता है कि जी पॉजिटिविटी कैसे आए आपके अंदर? पॉजिटिविटी आपके अंदर ऐसे आती है कि जब आप चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करें. आप अब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है और आप उसको जो उसकी जो होती है ना जो छोटी छोटी चीजें विच फॉर एग्जाम्पल पानी पीने को मिल जाए, तो जस्ट बी थैंकफुल कि आपको पानी पीने को मिल रहा है. ठीक है, कि आपको एक ग्लास पानी को पीने को मिल गया, आपको ठंडा कमरा बैठने को मिल गया, आपको एक कंफर्टेबल कुर्सी. हमारा मसला ये होता है कि हमारे पास इतनी चीजें अल्लाह मियाँ ने दी हुई हैं या कुदरत की तरफ से मिली हुई हैं, पर हमारे नखरे खत्म नहीं होते. जो जो चीजें हमें मिलती जाती हैं, नखरे हमारे और लेवल पे चलते जाते हैं. ठीक है, आप 9 to 9 काम कर रहे हैं, पर किसी के सिर पे एहसान नहीं कर रहे. पैसे भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं उसके लिए. अच्छा, आप पैसे कम मिल रहे हैं तो ठीक है यार, अब आप अपने लिए और मेहनत करें, करते जा रहे हैं, बट मजदूर है आप उसको देखो. ठीक है, आपसे बुरी हालत में भी बहुत लोग हैं, अच्छी हालत में भी बहुत लोग हैं. तो यू नो कंपैरेटिव एनालिसिस आप करते जाएं तो हदें खत्म हो जाती हैं. आप उस खच में पड़ते रहेंगे कि नहीं जी जॉर्ज की जिंदगी तो ऐसी है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं. वो रोज सुबह टीवी पे आया होता है, वो ऐसे बैठा होता है, वो इतने मजे से, और वो मैं क्यों वैसा नहीं हूँ. अब जॉर्ज से बात करोगे, जॉर्ज कहेगा कि जी वो लैरी किंग सारा दिन CNN पे बैठा होता है, मैं इधर बैठा होता हूँ. तो यू नो यू कैन गो ऑन एंड ऑन कंप्लेनिंग अबाउट इट, बट जॉर्ज के सामने पानी का एक ग्लास पड़ा हुआ है, वो आराम से पी रहे, बी थैंकफुल. दैट इज हाउ यू स्टे पॉजिटिव.